कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज। 1 2 3 4 स्टार्ट म्यूजिक। ओके गर्ल फैमिली रेडी फॉर संगीत रिहर्सल। कम ऑन पारुल, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, परफेक्ट। दुल्हन की बहन माफ पे आओ। 1 2 3 स्पॉट। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। वेरी गुड, सेंटर स्टेज की तरफ आइए। परफेक्ट। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी। निखिल तुम्हारी एंट्री है। 5 6 7 8 निखिल एंटर। सुने ना नैनो, दादी नैनो, नट्स रूबी दादी को स्टेज से हटा। छोड़ मोटी। निखिल जी एंटर कीजिए। कहाँ थे आप, कितनी देर पहले आपका क्यू था? कहाँ लेके जा रही हो? कंटिन्यू कीजिए। अरे मैं सुनैना की दादी हूँ, दादी। सेंटर स्टेज। सुनैना मेरी बात सुन। टर्न टर्न टर्न, स्टॉप। नैनो मेरी बात सुन। हाँ परफेक्ट। बहुत बुरी खबर है नैनो। सेंटर स्टेज और थोड़ा लेफ्ट पर। हाँ परफेक्ट। मुझे रुकने को कह रही है। बचपन से समझाती आ रही हूँ कि कुछ नहीं रुकता, ना वक्त ना उम्र ना बुरी खबर। कार्तिक शादी कर रहा है। क्या? कार्तिक शादी कर रहा है इसी हफ्ते। कार्तिक? हम्म। अपना कार्तिक? हम्म। मेरा कार्तिक? हम्म। वो शादी? हम्म। अरे दादी आपने गलत सुना होगा, कितनी बार बोला है डॉक्टर के पास जाइए, कान चेक कराइए अपने। अरे ऐसे कैसे शादी कर सकता है कार्तिक? मेरा मतलब मुझे बताए बिना कैसे शादी कर लेगा? तू फोन उठाएगी तो पता चलेगा ना। वैसे डॉक्टर ने बोला है मेरे जो कान है वो 18 साल की लड़की की तरह एकदम यंग एंड क्लीन। न भी तो मैं जवान हूँ। देखा 27 मिस कॉल। बेचारा कार्तिक। दादी बिजी थी मैं काम में। पागल हो गया था, अभी क्यों शादी कर रहा है? ओ तेरी की शादी का टाइम आएगा लेकिन तब क्या कर रहे हो? मोटी गीत आ रही है। सुनैना यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? चाबी चाबी गिर गई थी मेरी। तुझे वो कार्तिक की न्यूज मिली? आंसर तो उतनी शॉक यार। सुना है लड़की अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई है, होगी कोई यंग सी बम टाइप की, इसलिए तो गए कार्तिक उसके पीछे, वरना तुझ में क्या बुराई थी, तुझसे ही कर लेता शादी। कार्तिक? क्या कार्तिक? तू? अरे दादी जी, सू 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 सू, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना डेस्परेट था तुमसे मिलने के लिए। मैं और कोई और भी। This is Anjali, my fiance. देखो सू, अब सू, अरे सू देखो मैंने बताया ना कि ये सब अचानक हो गया, कुछ प्लान नहीं था, और सबसे पहले मैंने तुम्हें फोन किया था। देखो तुम्हारा फोन, 27 मिस्ड कॉल्स। काम कर रही थी मैं उस टाइम। अच्छा छोड़ो, सुनो 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 सुनो, देखो प्लीज, आई एम रियली 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 सॉरी यार, माफ कर दो ना। लीव मी अलोन। नहीं, आई कांट लीव यू अलोन, पहले माफ कर दो ना। नेवर। सु देखो, स्टॉप इट प्लीज यार, स्टॉप इट यार, डोंट डू दिस, प्लीज मुझे माफ कर दो। नो नो सु, मैं अरे ये क्या कर रहे हो? ओह गॉड, माफ,
सू प्लीज 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 सू, चिंता मत कर, करना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बचपन से ही ऐसे लगते आ रहे हैं। नहीं सू प्लीज यार माफ कर देना, सुनैना कई बार इसे पीट भी देती थी। प्लीज 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 माफ कर दे, प्लीज प्लीज। थैंक यू, पागल कहीं के। थैंक यू फाइनली। अंजलि तुम ही बताओ सुनैना को मुझे कितना बुरा लगा। राइट सुनैना, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। जब से कार्तिक ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे हाँ कहा, उसके मुंह से सिर्फ मैंने तुम्हारा ही नाम सुना है। सच बताऊं, मैं ना तुमसे थोड़ी जलस हो गई थी। तुम्हें सुनैना से जलने की कोई जरूरत नहीं है, बचपन की दोस्ती होती ऐसी ही है। हाँ दादी, तब तो मैं सू से मिली नहीं थी ना, अब मैं सू से मिल चुकी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑल ओके। प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। अरे पहली मुलाकात में गुनाह कर दिया बेचारी ने, सुनैना को सू कह दिया, अब कोई नहीं बचा सकता उसे। एक्चुअली अंजलि, जलन तो मुझे तुमसे होनी चाहिए। आज तक कार्तिक के अलावा मुझे सू किसी ने नहीं कहा, और तुमसे एक ही हफ्ते की मुलाकात में उसने तुम्हें मेरा स्पेशल नाम भी बता दिया। I'm so sorry सुनैना, वो गाइस मैं मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, अंजलि पसंद नहीं आई इसे। अंजलि तुम बहुत स्वीट। रियली कार्तिक, तुम्हारी चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सुनैना। ओके फाइन, अब तुम जल्दी से बैग्स पैक करो क्योंकि कल तुम दिल्ली आ रही हो। कल? ऑफ कोर्स कल, 5 दिन में तो हमारी शादी है और तुम हमारी वेडिंग प्लानर भी हो और डांस कोरियोग्राफर भी। एब्सोल्युटली राइट। पागल हो गया कार्तिक, 4 दिन प्यार, 5वें दिन प्रपोज, 1 हफ्ते बाद शादी, कोई मजाक है क्या? जब पक्के दोस्त की शादी होती है तो ऐसा ही लगता है। देख, तुम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, अभी अब कार्तिक की जिंदगी में कोई और आ गई है। अगर तेरी जिंदगी में भी कोई और आया होता तो तुझे ऐसा नहीं लगता। हा? मैं तो कब से तुझे कह रही हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन तू अपने काम में इतनी मगन किस बारे में? दादी नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती कि गलती तेरी है, गलती तो मेरी है। हाँ दादी होने के नाते मुझे तो सोचना चाहिए था, ज्यादा ही तेरे लाड़ प्यार में बह गई। मैंने सोचा बिन माँ बाप की बेटी है, जो मर्जी है इसकी करने दो। अब एक काम कर दे, तू ना मुझे इसकी सजा दे, ले हाथ दे खींच के थप्पड़। ना ना पुत्र, रोना नहीं, तुझे भी कोई मिल जाएगा जो सिर्फ तेरे लिए बना होगा, ऐसा जो कार्तिक जैसा। दादी हो सकता है वही मेरे लिए बना हो, इतने सालों से सब लोग हमें चिढ़ाते थे, बार बार पूछते थे कि तुम लोग कब शादी कर रहे हो, मैं हमेशा हंसी में टाल देती थी, वो तो मेरा दोस्त है, पर दादी हो सकता है कि मैं गलत थी, शायद प्यार को पहचाना ही नहीं मैंने, उसे जाने दिया, और अब वो किसी और का हो जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी पूरी लाइफ बिना प्यार के, बिल्कुल अकेली। नींद तो खुल गई लेकिन आंखें नहीं खुली अभी तक। तूने गाड़ी का सही नंबर नोट किया था ना? हाँ दादी, कार्तिक ने मैसेज तो किया था मुझे, अरे 9065 हमारी गाड़ी। आजी छतरपुर की गाड़ी। Come on, let's go. ये कौन है? हे, ये हमारी गाड़ी है। हेलो बेटा। हाय,
Are you getting me car for Chhatarpur? It's for me. हाँ हम भी छतरपुर जा रहे हैं लेकिन ये कार हमने बुक की है 9065 आइए दादी एक सेकंड 9065 ये गाड़ी मुझे पिक करने आई है ओ रियली किसने कहा हमारे पास मैसेज है आओ दादी एक मिनट मेरे पास भी मैसेज है और नाम भी वो करतार सिंह Myself देखा 100 लक्ष दीजिए मैंने करतार सिंह कहते हैं दरअसल आप लड़ो मत प्रॉब्लम समझने की कोशिश प्रॉब्लम कुछ नहीं है आप यहाँ से इनको हटाइए और देखिए मैडम चेक योर टोन विद मी ऐसे बात करने की जरूरत नहीं मेरे साथ पापा जी लड़ो मत दरअसल बात ये है कि ये दोनों आपके लिए एक ही गड्डी है व्हाट ये कैसे हो सकता मैंने डायरेक्टली एजेंसी से गाड़ी बुक की है 100 लक्ष दी गड्डी आपने बुक करी है आपने भी बुक करी है पर जी आप दोनों की कंपनी एक है डेस्टिनेशन एक है और कंपनी के पास गड्डी भी एक थी इसलिए आप दोनों के लिए कंपनी ने एक ही गड्डी भेज दी 100 लक्ष दी कोई बात नहीं बेटा एडजस्ट कर लेंगे बेटा आप आगे जाके बैठ जाओ प्लीज प्लीज आओ सामान आराम से रख लेना हाँ जी बिल्कुल जी हेलो जी 100 क्लच दी क्यों लगा रखा है आपको? ओ जी, 100 क्लच की ये किसी के प्यार की निशानी है। बेटे रहते कहाँ हो? वॉशिंगटन। हो आराम से। साहब जी, अगर ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो इसको पकड़ के बैठ जाओ जी। तो पूरी फैमिली वॉशिंगटन में रहती है बेटा? जी नहीं, सिर्फ मैं। तो फैमिली कहाँ रहती? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हमारी बहुत जान पहचान है। बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तरुण आलूवालिया। आलूवालिया? डिप्पी आलूवालिया के रिश्तेदार हो क्या है? नहीं नहीं। बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। नहीं नहीं जानता। बेटा तुम रहते कहाँ हो? सेक्टर 17 में। मेरे पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट और पासपोर्ट भी है। वो भी देखना चाहेंगी आप? क्या कहा तुमने? हे, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। रिपीट करूं? तुम ना। कुछ काम ढंग से नहीं हो सकता इस कंट्री में। जैसे देखो आपको चीट करने पे लगा हुआ है। लोग बिना जान पहचान के आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जानना चाहते हैं। सारा देश बर्बाद हो रहा है। पकड़ लो उसे। गाड़ी रोको इसी वक्त। रोक दी। तुम बात सुनो मेरी। मेरी दादी ने कह दिया इसलिए मैं मान गई, नहीं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने तक नहीं देती। और इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम ये है कि शहर में एक स्टूपिड इंडियन लड़की है जो अभी लंदन से पढ़कर आई, और हर स्टूपिड इंडियन लड़की की तरह वो भी इमोशनल होकर एक गलत आदमी से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद करने वाली। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो स्टूपिड इंडियन लड़की मेरी बहन, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो, समझी तुम? बड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। अरे मोरी, वो देखो दुकान, चलो ठंडा पी लेते हैं, ठंडे हो जाएंगे। मैडम जी क्या कर रहे हो? वो पैसेंजर छोड़ के गया तो मेरी नौकरी जाएगी 100 क्लच दी। ए, ए, अबे रुक, रुक।
रुक। दादी जी मेरी फोन की बेस्ट फ्रेंड और हमारी वेडिंग प्लानर। वेलकम वेलकम। नमस्ते। वेलकम सुनैना। हेलो अंकल। हाउ आर यू आंटी? मैं तो ठीक है, तू कैसा है? मैं पूछा कार्तिक से मुंबई में आजकल सुनैना घर नहीं आता क्या? मैं बिजी था आंटी। लेकिन इधर तो आया ना मैं। I told your aunt, Sunaina will definitely come for the wedding. Come, come, come. Yes, Sunaina, ये मेरी family है। पूरी cocktail family है। महंगी वाली wine, local beer और पटियाला peg of whiskey, सभी एक ही टेबल पर एक ही साथ। और of course, आज से कार्तिक की गंगाजल family भी हमारे gang में आ गई है। Exactly. In the way to start, this is the manner in the house. Come on, all the ladies. I want come you all to go crazy. Come on, come on, go. Oh, jinne mera dil lutya. Oh, jinne mainu maar sutya. Oh, lak patla palori ode nain nain. Kali chhum ke hulare ode nain nain. Gala kar di. शहद तो मिठिया हो जिन्हें मेरा दिल लुटिया हो जिन्हें मैनू मार सुटिया। करुण भैया। एक हफ्ते में तूने शादी की डेट भी फिक्स कर ली? हाँ। तरुण पाजी। ओए खोते, कैसा है? पूरे 6 साल बाद आया मेरा पुत्र, पूरे 6 साल बाद। पेरी पूरे पापा जी। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ पुत्र, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। जी जल्दी जल्दी खाना छाना खाओ जी, और कुड़ी का भाई आया है, पंगड़ा झगड़ा नहीं पाना। तुआडा की है, तुआडा बस चले ना तो सवेरे सवेरे पंगड़ा करने लगो। मुंडा इतनी गर्मी विच चल के आया है,
भाई खाना खाकर उसको आराम तो करने दो। लेकिन भैया आप चल कर क्यों आए? गाड़ी तो भेजी थी ना एयरपोर्ट आपके लिए। बेटा कोई तुम्हारी गाड़ी लेके भाग गया क्या? काफी मजेदार फैमिली है तुम्हारी। You mean कार्टून है ना सब के सब? I know सुनैना। By the way, हम सोच रहे थे कि फेरे हम यहाँ करें। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। Perfect, amazing। तो फिर फेरे और संगीत यहाँ और कॉकटेल हम प्लान करेंगे वहाँ पूल साइड पर। अंजलि एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारा भाई बहुत खुश नहीं है शादी से? हाँ सर, वो चाहते ही नहीं कि मैं कार्तिक से शादी करूं। जब से उन्हें बताया ना रोज वॉशिंगटन से फोन करते थे। सुनैना तुम प्लीज मेरा सपोर्ट करोगी ना? मैं पर अंजलि मैं कैसे? प्लीज जस्ट हेल्प मी वंस। वाओ मेरे दोनों गॉर्जियस गर्ल्स एक साथ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। तरुण भी रेडी है, चलना है कि नहीं शॉपिंग? ऑफ कोर्स चलना, जल्दी चलो। सुनैना आओ हमारे साथ, कम ऑन चलो। हे गाइस देखो हमने क्या शॉपिंग की है, अब गर्मा गर्म कॉफी पिला दो। ओके ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, तुम बैठो मैं ले आता हूं। अच्छा एवरीवन फॉर कॉफी? यस कम ऑन एंड हेल्प मी। अंजी अंजी तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी तुम अभी उम्र में बहुत छोटी हो। छोटी तो वो उनसे है सु, मैं बहुत कंफ्यूज था, फिर सोचा कि एज से क्या फर्क पड़ता है। अरे एज तो बस एक नंबर है ना। पर मैच्योरिटी कोई नंबर नहीं है, जो तुम करने जा रही हो बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये शादी घर बच्चे, आज कुछ ज्यादा मेकअप किया क्या? अच्छी लग रही हो। ओके गाइस गर्मा गर्म कॉफी। आह ओके एक्सक्यूज मी कैन आई यू वांट मी टू हेल्प? थैंक्स। वैसे कार्तिक हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज खरीदी है जो तुम देखते ही रह जाओगे। अच्छा? या एक्चुअली सुनैना ने चूज की है हमारी शादी की कलर स्कीम से मैच करके। एक सेकेंड। टन टन। कैसा है? वाओ ये रियली बहुत अच्छा है सू, थैंक्स। ऐसे नहीं इसे पहन कर दिखाओ, आ जाओ। अंजलि रुको, शादी से पहले दूल्हे को सेहरा नहीं पहनना चाहिए। ओफो, पर मुझे तो देखना है ना, अब क्या करें? ओके, तुम कार्तिक के पीछे खड़ी हो जाओ और उसके सर पे ये सेहरा पकड़ो। ओके परफेक्ट, ये लो लो ना। ओके 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 ओके। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, परफेक्ट। एक फोटो हो जाए? हम्म या अच्छा चलो ठीक। ओके परफेक्ट सुपर्ब, ये देखो। सुनैना कार्तिक तुम दोनों यहाँ कैसे? ओह माय गॉड। हाय पूनम। हाय। हे रवि कैसा है यार? कितने सालों के बाद एक्चुअली। सो तुम दोनों ने फाइनली शादी करने का फैसला कर ही लिया? क्यों? मैं हमेशा रवि से कहती थी कि ये दोनों परफेक्ट मैच है। देखना हम लोग शादी करें ना करें लेकिन इनकी शादी तो हो ही जानी है। शादी तो हो रही है पूनम, पर सिर्फ मेरी। अंजलि और मैं शादी कर रहे हैं। हाय गाइस, डोंट वरी, आई वोंट बी जेलस ऑफ सुनैना। स्टेज के लिए 30 मीटर गोल्ड मैश और कॉकटेल नाइट का थीम है ब्लू एंड व्हाइट। ये सारा सामान दो घंटे के अंदर मुझे चाहिए। ओके
तुम किसी और की शादी में भी जा रही हो? शादी बिजनेस है मेरा, रोज शादी में जाती हूँ। गुड, फिर तो तुम्हारे ये सब डिजाइन बेच नहीं जाने वाले, क्योंकि ये शादी तो नहीं। तुम पागल हो क्या? नहीं, पर मेरे अलावा यहाँ पे सब पागल, क्योंकि किसी को नजर नहीं आ रहा कि कार्तिक अंजलि के लिए बिल्कुल गलत। See, I've got a logical explanation to this. अंजी को पार्टीज में जाना, सोशलाइज करना बहुत पसंद। कार्तिक doesn't socialize at all. कार्तिक वेजिटेरियन है for God's sake. और अंजलि तंदूरी चिकन के बिना खाना नहीं खाती। कार्तिक हो सकता है अंजलि को इसीलिए कार्तिक पसंद है। वो उसे अलग है, मैच्योर है, संभला हुआ है। देखिए मैडम, ये कोई टैक्सी राइड नहीं है कि आप बीच रास्ते में दूसरे पैसेंजर को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक। ये शादी, और शादी में एक ही गाड़ी में साथ साथ चलना पड़ता है, चाहे आप बोर हो जाएं, चाहे आपको गुस्सा आए, या गाड़ी के चार दरवाजों में आपका दम ही क्यों ना घुट, मगर आप बाहर नहीं निकल सकते। और हर रोज यही सोचकर आप अफसोस मनाते हैं कि हम इस गाड़ी पे चढ़े ही क्यों। अच्छा तुम ही बताओ सुनैना, कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि कार्तिक और अंजी एक दूसरे के लिए बने? डू यू रियली थिंक दे आर रियली सूटेबल फॉर ईच अदर? देखो मुझे लगता है कि कार्तिक को किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए जो ज्यादा मैच्योर हो, ज्यादा संभली हुई हो, जैसे कि यू। क्या कार्तिक को तुम जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? ओह, कॉल फ्रॉम वॉशिंगटन, विल कनेक्ट लेटर। हे माइक, व्हाट्स अप? या श्योर। तुम दोनों ने फाइनली शादी करने का फैसला कर ही लिया? क्यों? मैं हमेशा रवि से कहती थी कि ये दोनों परफेक्ट मैच है। मुझे लगता है कि कार्तिक को किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए जो ज्यादा मैच्योर हो, ज्यादा संभली हुई हो, जैसे कि यू। अंजलि तुम्हारा वॉक थोड़ा और सुने ना, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम अंजी को एक बार करके दिखा दो ना। परफेक्ट, मैं दिखाती हूँ ना। ना ना, तू बाद में दिखा देना। सुना ना, once this, come on, come on। हाँ हाँ बेटा, कर दे। Okay। हाँ जी। I'll play the music। Yeah, come on।
जाने है सब जी फिर भी बनाए बहाने नैना नवा बीजी देखे है सब जी फिर भी न समझे इशारे मन ये साहेब जी हाँ करता बहाने नैना नवा बीजी न समझे इशारे मेरी बेस्ट पार्टनर हमेशा तुम ही रहोगी। ओह माय गॉड, कार्तिक सुनैना तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। सुनैना मैं तो तुम्हें कभी मैच ही नहीं कर पाऊंगी। गए काम से तो शेरनी के मुंह में खून लग गया। बोले 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 बोले। तुम आती रात को मेरे बिस्तर पे क्या करे? देखो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी फनी। क्यों? हम अंजलि और कार्तिक की शादी तोड़ने वाले। तो मेरी बहन की शादी तोड़ना चाहती हूँ। इतने बुरे इरादे हैं तुम्हारे। मेरे बुरे इरादे? तुम्हें तो कला के कौन कौन है? कौन है? कौन है बाजी? कौन है? कौन है? कौन है बाजी? कौन है? पकड़ो सारे को। ओए हैप्पी, ओए क्या कर रहा है? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ओ बुरा सपना देखा होगा तूने। जा जाके सो जा। मगर बाजी। ओए ओए सो जा और मैं भी सो दे। चल जा। ओ जा ओए। वैसे आपका सारी रात यहीं रहने का इरादा है क्या? आके मिलो अभी अभी। कल कॉकटेल है, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो
चलता है। अब इतनी रात को भी प्लान डिस्कस करते हैं, सुबह भी तो कर सकते थे, ये कोई टाइम है प्लान डिस्कस करने का? प्लान के बारे में कह रही थी। इधर आओ, प्लान क्या है? हमें उन दोनों को ये रियलाइज करवाना है कि एक दूसरे के लिए वो सही नहीं है। अच्छा, पर कैसे? अंजलि को किस चीज से नफरत है? अगर उसे कोई बच्चा बुलाए या बच्चे की तरह ट्रीट करे तो उसे उस चीज से नफरत है। और अगर कोई लड़की टल्ली होकर बेवकूफों वाली हरकतें करे ना तो कार्तिक हेट्स इट, वो चिल्लाने लगता है। अंजलि को बिल्कुल टल्ली करना है और तुम्हें कार्तिक को दिखाना है कि तुम उसके लिए परफेक्ट हो। वैसे तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करना कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वरना वो अंजलि के अलावा किसी और लड़की को देखने नहीं वाले। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती? वैसे अभी तक तो एक ही लड़की जैसी चीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई है, वो है अपना हैप्पी सिंह आलूवाली। यू जस्ट वेट and watch. Wow. Best of luck. अंकल जी, तो आटे वास्ते ड्रिंक लाया हूँ। शिव 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 शिव, I don't touch alcohol only. अरे अंकल जी, अल्कोहल कितने है? ये तो मॉकटेल हैगा जी। No alcohol. It is only mocking. Mocktail. कार्तिक पुत्र, अंकल नहीं अपना हनीमून लंदन में मना ले यार। हमारे कार भी चलाना, फरारी चलाना, बियर शियर पिए। अरे और ड्रिंक कितने भाई तेरा? हैप्पी, ओ एक ड्रिंक बना के ला अपने जीजे के लिए। अंकल थैंक यू, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता। बोले 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 बोले, तू ड्रिंक नहीं करता? अरे भाई, मुंडा ड्रिंक ही नहीं करता। मुंडा ड्रिंक नहीं करता? मुंडा ड्रिंक नहीं करता? इस बात पे शादी तो नहीं तोड़ देंगे ना? तुम नहीं पियोगे तो चलेगा, अगर तुम पिलाओगे नहीं ना तो जरूर तोड़ देंगे। अरे दादी जी, आप डांस नहीं कर रहे हो? हाँ जी, ये लो भैया ड्रिंक। स्वीटहार्ट, पी लो ना, ये दिन फिर थोड़ी ना आएगा। कम ऑन, गो अहेड। ओके, कितना अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा फियांसे। लो, टू यू एंड कार्तिक, टू योर हैप्पीनेस, चीयर्स। हे कार्तिक, अब अंजलि के साथ तो तुम्हें रहना ही है, थोड़ा सा टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं दोगे तुम? मेरे साथ डांस नहीं करोगे? Come on, Kartik, ये गलत बात है। Go with her. Come on, जाओ ना। Come on. Come on, handsome. Okay.
कहा मेरी और कार्तिक की खुशी के लिए? आप सच बोल रहे थे? ऑफ कोर्स संजी, मगर साथ साथ मैं अभी होप कर रहा हूँ तुम इससे शादी ना करो। भैया, अब होप करने में क्या बुराई है? क्या होप कर रही थी? यही कि मैंने कहीं बहुत देर ना कर दिया। किस बात के लिए सु? ये कहने के लिए। टेंशन, टेंशन, टेंशन। Excuse me. Thank you. कार्तिक वेंकटरमन, और तनु तंदूरी चिकन मुबारक, और तनु रम और विस्की मुबारक। Cheers. एक मिनट, कैसे अच्छी है? और यार मुंडा तो ड्रिंक करता ही नहीं है। ओ यार, आ जा यार। आज एक ड्रिंक पिलाई दे। I think अंजलि ने कुछ ज्यादा ही पी लिया। मैं अभी आता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। Hey sweetheart, तुम तो उड़ रही हो आज। तुम भी, चलो साथ उड़ते हैं। Let's fly together. Let's fly together. मेरे साथ भी डांस कर ले बेटा। कहीं प्यार श्यार तो नहीं हो गया तेरे को? बोल 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 बोल। हाँ जी, हो गया है। पर आपसे।
शुगर कोट। आजकल के लड़कों में बिल्कुल दम नहीं है, दिल लगाने से पहले दिल टूटने से डर जाते हैं। ए मच्चा, तमिल पाट पोड़ रहा அம்மா மழையே நீ வந்தே வெளியே இனி எல்லாம் சோகமே இங்க ஆறு குளம் அத்தனையும் தண்ணி தண்ணி பொங்கி வருவே संभल के अंदर चलो। नहीं मुझे नहीं जाना है। सब अंदर जा चुके हैं, तुम यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती। पर मैं तो अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। All alone. All alone. कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। ऐसा क्यों तरुण, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? दत्तू अंकल रोमी आंटी से प्यार करते हैं, और फरारी अंकल चिन्नी मासी को प्यार करते हैं। शायद अपनी फरारी से ज्यादा प्यार करते हैं, पर प्यार तो करते हैं ना। हाँ करते हैं, करते हैं। पर मेरे पास तो कोई भी नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं मत जा। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला नहीं रहना। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम जानती नहीं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? बताओ। तुम कोई मुझसे प्यार नहीं करता? शायद कोई तुमसे प्यार करता हो, तुमको पता ही ना। जल्दी आलू वाले जाग गई। आप ही ने पिलाया था ना मुझे? मैंने पिलाया। हाँ जी
अच्छा एक्चुअली प्लान यही था कार्तिक की नजरों में तुम्हें नीचा गिराने का। क्या भैया आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं अंजी आई एम सीरियस। तुम जानती हो कि मैं शादी के फेवर में कभी नहीं था और मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं तुम्हारी शादी तोड़वा सकूं। अदरवाइज आई वुडंट हैव कम। और अब भैया अभी भी यही कर रहे हो ना तुम? आज भी मुझे शादी करने से रोकने के लिए यहाँ बुलाया है तुमने? अंजी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। I'm not sure anymore कि भैया मैं भी श्योर नहीं हूँ। शादी पूरी जिंदगी का रिश्ता, मुझे भी बहुत डर लग रहा है इस सब से। पर मुझे एक चीज पर पूरा यकीन है भैया, वो मेरा प्यार है। मेरा प्यार भैया, मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं भैया कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन उसके बिना लाइफ में वो मजा नहीं होगा। I'm sorry बेटा, शायद अब मैं भी समझने लग गया हूँ कि प्यार कैसा होता है। और तू सही कह रही है कि अपने प्यार के साथ ही लाइफ की हर चीज पे मजा होता है। मेरी बहन बड़ी हो गई है। अंजलि तुम ठीक हो ना? हैंगओवर तो नहीं है ना? नो गुड। हैप्पी सिंह जी जी बोलिए। तरुण को देखा है आपने? मालूम है कहाँ है? जी पता नहीं, मगर कुछ काम है तो बोलिए, बंदा 24 घंटे हाजिर आपके लिए। अरे अरे सुनिए तो, कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? क्यों क्यों क्या? ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, हमारा प्लान काम किया या नहीं? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा है तुमने कार्तिक को? बताओ कहाँ है वो? घर में भी नहीं है। वो घर में? कोशिश नहीं हुआ ना? अब क्या कह रही हो दादी? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है और कौन तेरा साथ दे रहा है। बेटा ननु कार्तिक तेरे लिए नहीं बना है। ये आप कैसे कह सकते हो दादी? हमें कभी मौका ही नहीं मिला एक दूसरे को उस तरह से जानने का। 20 साल में मौका नहीं मिला? अगर इतने साल तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब होना ही नहीं था। नहीं, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। चुप, कुछ नहीं जानती। ये नहीं जानती तो क्या चाहती है?
ये नहीं जानते कि तू किसे चोट पहुंचा रही है, और ये भी नहीं कि इस सब में तू क्या खो सकती है। फिर भी अगर तेरी जिद है तो जो मर्जी आएगा। ये स्टेज है, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली होगी, मतलब अंजलि यहाँ होगी, और आई विल मेक श्योर कार्तिक पहला डांस मेरे साथ ही करे और आखिरी डांस वो अंजलि के साथ करेगा। हाँ, ये तो पूरी तुम्हारी लव स्टोरी बन गई। कार्तिक और मैं ऐसे होंगे, तुम इस टाइम पे अंजलि को लेके पीछे से आ जाना, मेक श्योर वो हमें देख नहीं पाए। ओके, यहाँ पे एक ऐसा विंग जैसा बना होगा और मैं कार्तिक को धीरे धीरे इस तरफ लेके जाऊंगी। वहां मैं उसे पकड़कर रोने लगूंगी और वो कहेगा कि सुने ना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस हमारे फेसेस बिल्कुल ऐसे होंगे। तुम अंजलि को लेकर सामने आ जाना और मैं कहूंगी धरन तुम ये क्या। अंजलि हमें ऐसे देखेगी तो वो तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे आंसू पहुंचेगा, but he will not kiss you। क्या? क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि वो अंजी से प्यार करता है और अंजी भी उससे बहुत प्यार करती है। देखो सुने ना, मैंने कुछ वक्त पहले ही रियलाइज किया है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्या? अरे तुम बिना बात के इमोशनल हो रहे हो, डर रहे हो। आज तो फाइनल स्टेप है, कल तक कार्तिक मेरा हो जाएगा, तुम अंजलि को लेकर वापस अमेरिका चले जाना। गेम ओवर। स्नैप आउट ऑफ इट। सुने ना, अंजलि लव्स कार्तिक। अरे क्या जानती है वो कार्तिक के बारे में? एक हफ्ता पहले मिली है उसे। वो ये भी नहीं जानती कि कार्तिक को मूंगफली से एलर्जी है। उसे नहीं पता कि कार्तिक नहाने के बाद 10 मिनट तक छींके मारता है। ये सब बातें मैं जानती हूँ। ये जानती है कि वो कब खुश है, कब परेशान है, कब कुछ कहना चाहता है और कब चुप रहना चाहता है। पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए जो जरूरी है वो अंजी को पता है। और जस्ट शट अप। और वैसे भी अपना प्लान मैं खुद कैरी आउट कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारा प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका है, क्योंकि एक और सच है कि तुम भी कार्तिक से प्यार नहीं करती। क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं जानती हूँ कि of course I love you, I do love you. No, you don't. कार्तिक तुम्हारे बचपन का वो खिलौना जो आज कोई और लेके जा रहा है, इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुने ना, you don't love him, you just want to own him. Go to hell.
सुनैना, सुनैना मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत नहीं सुनैना, मेरा मतलब है कि मैं कार्तिक को अच्छी लगूंगी ना। एक्चुअली आजकल मैं जब भी तैयार होती हूँ ना, यही सोचती हूँ, सोचती हूँ कि क्या मैं तुम जैसे खूबसूरत लग सकूंगी या नहीं। अंजलि, जानती हो सुनैना, कार्तिक तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि सुनैना इज माय सुपर वुमन बेस्ट फ्रेंड। सीरियसली मैं कार्तिक के लिए एक फ्रेंड तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि क्योंकि उसके पास तुम हो ना सुनैना। लेकिन आई होप आई मेक अ गुड वाइफ टू कार्तिक। तुम होगी ना मेरे साथ? कार्तिक बहुत लकी है, क्योंकि अंजलि आलूवालिया जैसी लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बनोगी कार्तिक के लिए। और अगर उस उल्लू ने तुम्हें जरा सा भी परेशान किया तो मुझे कहना, ठीक कर दूंगी उसे। सुनैना, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, रियली थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं कार्तिक, दूल्हा दुल्हन को पहले नहीं देख सकता। चलो चलो जाओ यहाँ से। ओके मैम, बाय। बाय कार्तिक। चोर बाजारी दोनों की पहले थी आदत जो हट गई। तो पार्टनर, शादी से पहले एक आखिरी डांस कर ले मेरे साथ, क्योंकि उसके बाद मैं शादीशुदा हो जाऊं और फिर नो टचिंग पर आई वुमेन। हां, वन डांस, कम 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 कम। मनिए साहेब जी, जाने है सब जी, फिर भी बनाए। मैं कार्तिक के साथ इस तरह डांस करूंगी। उस टाइम पे अंजलि को लेके पीछे से आ जाना, मेक श्योर वो हमें देख नहीं पाए। ओके, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं सु, उसके बाद मेरी नई लाइफ शुरू हो जाएगी। और सच कहूं तो डर के मारे मेरी जान निकल रही है। कार्तिक, मैं अभी डांस नहीं। सु, सु, सु। पता नहीं मैं कैसे हस्बैंड बनूंगा। अंजलि मेरे साथ खुश रहेगी ना? कार्तिक मैं एक बात सुनो, कोई भी गड़बड़ होगी ना तू मुझे बता देना, तू समझा देना, क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में एक तू ही है जो हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचे। तू क्यों रो रही है?
मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक मैं तुम्हारी शादी। सुरु तू क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? हमारे फेसेस बिल्कुल ऐसे होंगे, अब तुम अंजलि को लेकर सामने आ जाना। आपके लड़के ने तो हमारी इज्जत उछाल के रख दी जी। ये लो पकड़ो अपनी अंगूठी। आप लोग गलत समझ रहे हैं गट्टू अंकल, सुनैना और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ओए बकवास मत कर, एक घुसंड दूंगा ना बत्तीसी जमीन पे आ जाएगी। हमें मत समझा क्या सही है क्या गलत है। तो अंकल क्या कर रहे हैं, इधर आइए, क्या कर रहे हैं? एक तरुण मत रोक मुझे आज। आप लोग गलत इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं, गलती कार्तिक की नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जो तुमने करना था वो कर लिया था। Now please leave. गलती मेरी है, ये सारा प्लान मैंने बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि कार्तिक गलत लड़की से शादी कर रहा है। मैं आई तो थी आपकी खुशियों में शामिल होने, लेकिन जो भी किया वो आपकी खुशियों को छीनने के लिए किया। मैं तो आज भी नहीं रुकूं, पर मुझे किसी की कही हुई बात याद आ गई। उसने मुझे कहा था कि मैं अपने आप से ये पूछूं कि क्या कार्तिक मुझे प्यार करता है और क्या मैं कार्तिक को प्यार करती हूँ। पर इन दोनों सवालों का जवाब था नहीं। के लिए तो सिर्फ एक ही लड़की बनी और वो है अंजलि। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जल्दबाजी कर रही है दादी, प्लीज लेक्चर घर जाके दे। तुम समझती क्या अपने आप को? तुम्हें लगा कि तुम सबके सामने आके अपनी बात कहोगी, माफी मांगोगी, मुड़ के चली जाओगी? इतना आसान है तुम्हारे सबको छोड़ के चली जाना? किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं समझती ना तुम? तब बोलती क्यों बंद हो गई? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अब कुछ कहना नहीं चाहोगे तुम? मैं उसके लिए लड़ी जिससे मैं सोचती थी कि मैं प्यार करती। तुम्हें क्या पता है कि प्यार के लिए लड़ना क्या होता है? कार्तिक तू कैसे ऐसी कमीनी लड़की के चासे में आ गया? गट्टू अंकल, मैंने भी सुनैना का साथ दिया था। मैं भी नहीं चाहता था कि अंजी कार्तिक से शादी करे, इसमें मेरी भी गलती। पर आप सब ये क्यों नहीं देख रहे कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह थी प्यार? और ना जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं। भैया आप सुनैना की साइड कैसे ले सकते हैं? कि मैं जानता हूं अंजी उसके लिए यहाँ पे आना कितना मुश्किल था,
ये सबके सामने आके माफी मांगना, सबकी नफरत का सामना करना इतना आसान नहीं है अंजी। उसने ये सब किया तुम दोनों के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तो आप सब उसे माफ तो कर ही सकते हैं। सुनैना प्लीज एक बार अपने दिल की बात सुनो। मुझे जाने दो। सुनैना तुम जानती हो कि कोई तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम डरपोक, किसी से प्यार करने की और किसी का प्यार पाने की हिम्मत ही नहीं है तुम। प्यार के नाम से भागती हो तुम, जैसा आप कर रही हो, फिर से भाग रही हो तुम। सुनैना आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुनैना लिसन टू मी। सुनैना मुझे जाने दो तरुण। पहले मुझे ये बता कि मेरे करीब आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असर नहीं होता तुम पे। तरुण जाने दो मुझे। पहले मुझे ये बता कि अगर मैं तुमसे दूर चला गया तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी। मुझसे नहीं तो कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। जानती हो कोई तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम डरपोक हो, किसी से प्यार करने की और किसी का प्यार पाने की हिम्मत ही नहीं है। प्यार के नाम से भागती हो। तुसी? नहीं नहीं साहब जी, मैंने पहले ही कहा था कि गड्डी मैं ही चलाऊंगा। सौ क्लच दी गाड़ी एयरपोर्ट जा रही है, बैठना है तो पीछे बैठ। ये गाड़ी एयरपोर्ट नहीं, आलू वाली फार्म वापस जाएगी। क्या मुझे आपकी गाड़ी में लिफ्ट मिल सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छोड़ के जाने की? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अब रोक रहा हूं ना, और वो भी हमेशा के लिए। तेरे बिना भी किसी थी मेरी जिंदगानी ये, तेरे संग मीठी हो गई मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चलो चलो निकलते रहो। और चलो भाई चलो चलो बस सौंप लचती चलो। चलो चलो अब आगे क्या होगा? अब बैंड बजा के समझाना पड़ेगा क्या? वैसे एक और प्लान है।
अब क्या? आई लव यू बोल देते। अरे दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज़।